अरे सुखी लाल, ये कछुआ चाचा बहुत देर तक सोता है, उठता कब है? अरे कछुआ है, धीरे 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 उठेगा। क्या भैया सवेरे सवेरे उठा लाते हो? अरे यार गुड्डू, सुरीली को स्कूल छोड़ना कंपलसरी है बे। सीता जैसी भाभी है तो लक्ष्मण की तरह बिहेव करो ना यार तुम। तो क्या लक्ष्मण राम जी के साथ सीता मैया को स्कूल छोड़ने जाते थे? तो छिछोर पंथी की हद कर दियो यार, मारेंगे लप्पर तुमको भी यहीं पे। सॉरी भैया। अबे ए रुक 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 रुक, इधर आ। कहाँ जा रहा? नहीं जा रहा भैया, यहाँ छोड़ के आ। जल्दी छोड़ के आओ, तुम्हारे भाभी को स्कूल छोड़ने जाना, ठीक है? क्या घूर रहा है बे, हैं? क्या घूर रहा है? अबे लेके जाना। बिजी 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 पांडे। अबे यार गुड्डू, तुम्हारी भाभी को निकलने में टाइम है थोड़ा। एक काम करते हैं, जब तक के सुत्ती लाल के पूरी खाते हैं। चलो तुमको पूरी खिलाएं। जलेबी भी खाएंगे, ठीक है? नहीं खाएंगे, आइए। जितना खिला रहे गुरु उतना खाओ, समझे कि नहीं? सुत्ती लाल, दो प्लेट गरम गरम पूरी बनाओ गुरु और अकाउंट में लिख देना। अरे कहाँ बिजी भैया, सवेरे सवेरे बिजी हो गए। अबे हम तो रात से ही बिजी रहते हैं, समझे कि नहीं? अपनी पूरी ध्यान दो। अबे कछुआ चाचा अब तक सो रहे, इनको उठाते क्यों नहीं? अरे बिजी भैया, इनको तो भगवान ही उठाएगा। अबे आराम से उठ जाएंगे भाई, आवाज। अरे ये चीटिंग भैया। अबे गुड्डू भाग ले कहीं, उठ के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अरे भैया ये आलसी नंबर वन है, मारने के लिए उठेंगे नहीं। अबे भाग भाग भैया। हाँ भाभी। अबे कौन भाभी? सुरीली भाभी। गुड्डू तू साइकिल निकाल, साइकिल। आयो आयो। ए वाह, पापा कसम बता रहे हैं, इस ड्रेस से कितनी क्यूट लगती हो यार तू। कछुआ चाचा यहाँ का है, सो रहे हैं। चाचा, ओ चाचा। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? हम तो अपने दुकान में सो रहे थे। ये हमको उठाने में कौन बिजी था? हम बिजी को छोड़ेंगे नहीं। उसको छोड़ो, पहले खुद को देखो, 10-10 बजे तक सोते रहते हो। सोते हैं कभी कभी लोग, 10 बजे तक भी सोते हैं। चाचा ज्यादा सोना सेहत के लिए हानिकारक होता है, हमसे कुछ सीखो, हम 6 बजे उठकर व्यायाम करते हैं। उससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, नींद अच्छी आती है। नींद तो हमको अभी भी अच्छी आ रही है। सुबह के सूरज की लालिमा देखे हैं, कितनी सुंदर होती है। हम शाम के सूरज का लालिमा देख कर काम चला लेते हैं, वो भी बहुत सुंदर होता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे तो आप हमको उठाए काहे के लिए? उनको उठाइए ना जाके, जो 62 साल से सो रहे हैं, उठे हुए को उठा रहे हैं। उठो और ऊपर उठो, हमको उठना है और ऊपर उठना है। हम उठेंगे और ऊपर उठेंगे। जितनी देर से उठने की बात कर रहा है, उतनी देर में तो उठ जाता। ये देश आगे बढ़ेगा, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। देश को आगे बढ़ाइए। 62 साल से इंतजार ही कर रहा है कि कोई आए और देश को आगे बढ़ाए। वाह, हम पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे। चाचा ये पंचवर्षीय योजना क्या होती है? इस योजना को बाद में खोजना पड़े, वही है पंचवर्षीय योजना। हमारी सरकार ने बांध का काम शुरू किया। 15 साल पूरे हो गए, खत्म कब होगा? नदी पर हमारी सरकार ने पुल का काम चालू करवाया। नदी सूख गई, पुल कब पूरा होगा भाई? हमको करना है, हम करेंगे, दुनिया को कर दिखाएंगे। नेताजी। बेटा नेता जी। कल कोई नेता ये बात भी कहेगा, जानते हो क्या? हमने किया। अच्छा। हमने कर दिया। हमने करके दिखा दिया। का बेटा लाल बत्ती वाला कट गया? जा रहा जा रहा जा रहा। ए कछुआ, हाँ हम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तुम यहाँ बैठे हो। हमरा एक काम करो तो। हाँ करते हैं, करेंगे। हाँ इतना अलसिया कह रहे हो? अरे मिस्त्री अभी तक नहाए नहीं है ना। नहाएंगे कैसे, नल तो चला गया। अरे नल चाचा जैसा अलसी थोड़ी है, वो झट से आता है चला जाता है। अरे नल जाने में ही फुर्ती दिखाता है,
आने में तो हमसे भी ज्यादा आलसी है, है? हम तो आ भी जाते हैं मिश्री, नल तो आता ही नहीं है। अरे चाय तो पी लो, कब से बड़ी ठंडी हो रही है। पीते हैं। चाय पीने में भी आलस? अरे आलस नहीं है भाई, कब से इसको कह रहे हैं चाय उठा के दे दो, गिलास पकड़ा दो। अरे जरा विजी पांडे को आवाज लगाओ। ए विजी पांडे, रोकना यार। अबे क्या है बे, कितनी बार कहा पीछे से बात मत निकाल करो, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है। बोलो। कछुआ चाचा बुला रहे हैं। कछुआ चाचा उठ गए। इधर आओ। क्यों? तुम हमारा खटिया उठा के चौराहे पर रखे थे ना। हम बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं। अरे भैया डरो मत, महा आलसी हैं, उठ के मारेंगे भी नहीं। तो ठीक है तुम जाओ। कछुआ चाचा और मिजाज कैसा? अरे था, कभी कभी मार भी देते हैं। कछुआ चाचा गलती हो गई, पापा कसम हम समझे कि आप जो है भगवान को प्यारे हो गए, तो हमने सोचा कि समाज सेवा कर देते, तो आपकी खटिया जो है आपकी लाश के साथ उठा के शमशान लेके जा रहे थे भाई। लेकिन क्या करें, सुरीली बीच में मिल गई, तो आयो मायो के चक्कर में जो है ना बात बात करने लगे। का का कह रहा हो? आयो मायो पांडे, चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम तुमको तुम्हारी खटिया दोनों शमशान तक छोड़ेंगे। तुम कहे कि हमारा बॉडी उठा कर। अरे 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 आंटे बचाओ, आंटे पांडे। आंटी तो बचा लेगी, लेकिन आंटी से कौन बचाएगा? हाँ? दो दो हमारी तरफ से, दो दो भाभी। अरे अरे हमारी तरफ से नहीं था, कछुआ चाचा की तरफ से था। अरे तो आप क्यों इतनी फुर्ती दिखा रही हैं? दिखाते हैं कभी कभी लोग फुर्ती भी दिखाते हैं। तो आप कहे नहीं दिखाते हैं? अब कुछ लोग फुर्ती नहीं भी दिखाते हैं। का कछुआ चाचा छोड़िए ना ये आलसपना, दिन भर यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं, कुछ काम वाम किया करो। काम बताइए आप, काम बताइए काम। अरे हमें कोई काम नहीं है, तुम अपना काम कर लो वही बहुत है। हा? और का दुनिया में लोग दो दो बार नहाते हैं, तुम कम से कम एक बार तो नहा लीजिए। और लोग खुद ही अपना खाना बनाते हैं, इतनी दूर दूर चल के दफ्तर जाते हैं, खुद ही अपने कपड़े धोते हैं और खुद ही सुखाते हैं। और सुनिए, खुद ही पहन भी लेते हैं। ऐसे लोग जीवन में कुछ कर पाते नहीं है। अच्छा, कैसे? जो लोग सारा समय अपने काम में बिता देंगे, वो लोग देश के लिए समय कब निकालेंगे? बोलिए, जब लोग ज्यादा सो रहे हैं, मतलब ये विकसित सभ्यता की निशानी है। हाँ, जिस देश में लोग ज्यादा सो रहे हैं, मतलब देश का विकास बहुत तेजी में हो रहा है। कैसे? वो ऐसे कि पहले लोग खुद कपड़ा धोते थे, अब कपड़ा धोने वाला मशीन आ गया है तो उससे समय बचता है। पहले आदमी दफ्तर पैदल जाता था, अब स्कूटर और गाड़ी से जाता है तो समय बचता है। पहले लोग खुद अपना काम करते थे, अब नौकर रखते हैं तो समय बचता है। अरे जब इतना समय बचता है तो आदमी क्या करेगा? सोएगा ही ना। और काम कब करो? अरे जब सारा दिन पड़ा है काम करने के लिए, तो काहे का चिंता है भाई, नहीं तो कल कर लो, परसों कर लो। कछुआ चाचा, किसी कभी ने कहा है कल करे सो, आज कर, आज करे सो, अब उसका का? वो कभी खुद अपने लिए थोड़े कहे हैं। तो औरों के लिए कहा था? तुम चाय बना रहे थे ना, अब ले लाते। कछुआ चाचा ने अपनी सारी जवानी आलसपने में गुजार दी, इसीलिए इनका कुछ नहीं हुआ जवानी में। मौसी के चक्कर में ऐसे ही आलसपना दिखाते रहे, अगर फुर्ती दिखाए होते तो हम इनके दामाद बनने के लिए अप्लाई कर चुके होते। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। मुकली भी आप कुछ कह रहे थे ना? हमें याद है जब हम 10-15 बरस के थे। हाँ। और जो कछुआ चाचा थोड़े बहुत जवान थे। अच्छा। तो जब भी हम अपने पापा के साथ जाते थे तो जो कछुआ, चाय ठंडी हो गई है पी लो। अरे कब से हुतीलाल कह रहे हैं इस कुत्ती को कि चाय उठा के दे दे, गिलास हाथ में दे दे, चाय पी ले। कितना आलसी है, सामने रखी चाय उठा के नहीं पी पा रहा है। अरे कछुआ, हाँ चाचा, यहाँ बैठा क्या कछुआ आ रहा है? है? वहाँ देखना, वो उधर मिश्री मंदिर जा रही है, जा उसे छोड़िया। चलिए भैया जाते हैं। चाचा कभी कभी मंदिर छोड़ने जाते हैं। अरे कल तो नहीं गया।
ओ अबे था कभी कभी नहीं भी जाते हैं। हाँ अब समझ में आया कि तू 11 मासी क्यों है, पैदा होने में भी 2 महीना स्लो। अरे मुकुंदी बाबू ले जाइए चाचा को। चल बेटा मुकुंदी, जब तक कि सर साथ दे, नहीं तो तुरंत उतार दो, समझ रहा मुन्ना? चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये चलकर काहे चला रहे हैं, चढ़कर काहे नहीं चला रहे? ओ हाँ हाँ। अब चाचा कौन साइकिल पे चढ़े चलाए, जानते हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? मिश्री को मंदिर छोड़ने जा रहे हैं। अबे केचुए की औलाद कछुआ। हाँ चाचा। अब छोड़ने जा रहे हो हैं? जब वो वापस चली जा रही है, किसी दिन ऐसे ही मिश्री की शादी हो जाएगी और तू ऐसे ही देखता रह जाए। हमरी वो तय हो गई। वो क्या? वही क्या कहते हैं उसे, वो जो 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं। अर्थी? हाँ अर्थी नहीं, वही जो वो जो क्या कहते हैं, आग के चारों तरफ घूमते हैं। हवन तय हो गया तुम्हारा? हवन नहीं, कछुआ। शर्म आ रही है? शर्म आ तो ऐसे रही हो जैसे शादी हो गई है। हाँ शादी तय हुआ है। होती है कभी कभी, किसी की शादी भी तय हो जाती है। ए कछुआ कहाँ देख रहे हो हैं? अब किसी किसी का शादी नहीं भी होता है। कछुआ चाचा, अरे अब आलस छोड़ो, जैसे मौसी हाथ से निकल गई वैसे सब कुछ चला जाएगा और आप सोते रह जाएंगे। कभी कभी लोग सोए भी रह जाते हैं मुकुंदी। कर रहे हो भाई? चोरी कर रहे हैं। क्या हुआ सुतीलाल, मातम काहे बना रहे हो? जलेबी खिलाओ ना। अरे भैया कहां से जलेबी खिलाए, कढ़ाई बर्तन सब चुरा ले गए चोर। अबे गुड्डू सुरीली तो नहीं चुरा ले गए? अबे भगा लिया। अरे पूरा लापता गंज साफ हो गया। अरे भैया, अरे चोरी किया किसने? अरे एक मिनट, कछुआ चाचा सो रहा है, कछुआ चाचा से पूछो। चाचा, कछुआ चाचा, कछुआ चाचा, सोने दो यार, ये चोरी हो गई। हमको क्या? अरे पूरा लापता गंज साफ हो गया। हमको क्या? अरे तुम्हारी मटकी भी चोरी हो गई। तो तुमको क्या? अरे कछुआ चाचा, गांव में चोरी हो गई है और तुमको चिंता नहीं है, है? अरे चिंता करने में भी आलस दिखा रहे हो चाचा। पर चोरी किया कौन?
तीन थे। क्या तुमको बताएं? हाँ, हमारे सामने ही तो चुराया है। अरे तो पकड़ा क्यों नहीं? अभी नींद आ रही थी तो जब तक हम उठते तो चुरा भाग गए। ये तो चोर चोर क्यों नहीं चिल्लाए? अरे चिल्लाते हैं कुछ लोग, चोर चोर भी चिल्लाते हैं। अरे तुम क्यों नहीं चिल्लाए? अब कुछ लोग नहीं भी चिल्लाते हैं चोर चोर। पर कछुआ चाचा तुमको तो चिल्लाना था ना? हाँ, हम सोचे तो थे कि चिल्लाए इससे पहले मुंह खोलते तो भाग गए। तो हम सोचे कि काहे को रात में तुम लोगों का नींद खराब करें, तो सुबह तो पता चल ही जाएगा। ये बताओ, पूरा लापता गंज साफ हो गया और इनको नींद की पड़ी है। अरे ये आलसी है, इसको मारो। अरे मत मारो। क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या कर लोगे? अरे पकड़ो, पहला थप्पड़ वो आदमी मारेगा जिसने कभी आलस ना दिखाया हो। अगर कोई है तो ईमानदारी से सामने आए। माफी चाहते हैं कछुआ चाचा, हम मानते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन ये लोग भी आलसी हैं। ये लोग सोते रहते हैं कि लापता गंज की रखवाली कोई कर रहा होगा। हम तो आंख बंद करके सोते हैं, ये लोग आंख खोल के सोते हैं। तभी तो हमारे देश में आतंकवादी घुस जाता है और हम ही लोगों के ऊपर गोली चलाता है और मार के चला जाता है। और हम लोग जिसके भरोसे हैं वो आलस में अपनी नींद में सो रहा है, पुल बन रहा है। हम खुश हैं कि पुल बन रहा, बनेगा तो हमारे बच्चे देखेंगे। सड़क बन रहा है तो बना जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा। आलस हम सब में भरा है। आंख बंद करके सोने से लेकर वोट डालने तक कछुआ सोता है तो सिर्फ लापता गंज साफ होता है। अगर आप लोग ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन देश साफ हो जाएगा। आप लोग कछुआ का आलस बाद में मारना, पहले अपने अंदर का आलस तो मारो। अब देख क्या रहे हैं, जाइए जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। हाँ, चलो भाई चलो। मुकुंदी बाबू, हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गया। अब हम कल से जल्दी उठेंगे। अरे कल से का है, आज से का है ना ही? अरे किसी कभी ने कहा था ना कल करे सो आज कर, आज करे सो। अरे तो हो गया है तो कल तो उठेंगे ना। है इसका कल तो कभी नहीं आएगा। कभी किसी का कल भी आ जाता है। रिली फिकर मत करो, हमारा तुम्हारा कल जरूर आएगा। या? कौन कहता है आलस सिर्फ बिस्तर पर लेटते ही आता है। किसी वक्त भी अगर आप अपनी जिम्मेवारियों पर जागरूक न रहें तो ये आलस हमारे देश को पिछड़ा बना देगा। तो आइए आलसीपन छोड़ के जागरूक नागरिक बनते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।